पीटीआई के सीनियर रहनुमा की मुश्किलें ना हुई आसान, नैब ने घेरा मजीद तंग कर दिया। अलीम खान का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन नैब ने अलीम खान का नाम ईसीएल में डालने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद वजारत दाखिला को खत लिखा गया। खत में कहा गया कि अलीम खान को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए नाम ईसीएल में डाला जाए। इनके खिलाफ आमदन से जायद असासों और ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात चल रही है। पीटीआई रहनुमा 30 अप्रैल तक जुडिशियल रिमांड पर हैं।